नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से और समय मांगा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए SBI से राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिली धनराशि की जानकारी 6 मार्च तक देने को कहा था, लेकिन कल सोमवार 4 मार्च को SBI ने सुप्रीम कोर्ट से समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून करने की अपील की है। SBI द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए और समय मांगे जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जानना देशवासियों का हक है, तब SBI क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले जानकारी सार्वजनिक ना हो पाए। कांग्रेस नेता ने लिखा कि एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। देश की हर स्वतंत्र संस्था मोडानी परिवार बनकर उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी है। चुनाव से पहले मोदी के असली चेहरे को छिपाने का यह अंतिम प्रयास है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव होंगे फिर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सामने आएगी। सत्ताधारी दल आखिर पॉलिटिकल फंडिंग से प्राप्त अपने अथाह धन के स्रोत के खुलासे से इतना क्यों घबरा रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि याद रहे कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे और चुनावी ट्रस्ट के जांच पड़ताल से पता चला है कि जिन 30 से अधिक कंपनियों पर ED, IT, CBI ने छापा डाला था, उन्होंने छापे के बाद BJP को 335 करोड़ तक का चंदा दिया है। भाजपा को अपने पॉलिटिकल फंडिंग का अधिकांश हिस्सा 60+% इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला। कांग्रेस नेता ने आगे सवाल करते हुए लिखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के फंड के खुलासे से मोदी सरकार के कौन से कुकर्म सामने आने वाले हैं। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय, जिन्होंने कहा है कि वे अदालत से इस्तीफा देकर राजनीति में शामिल होंगे, उन्होंने कल सोमवार को अदालत में कहा कि उन्होंने न्यायाधीश के रूप में अपना काम पूरा कर लिया है और वे आज मंगलवार को इस्तीफा देने के बाद अपनी भविष्य की योजनाओं का खुलासा करेंगे। इस बीच कल सोमवार को कुछ वकीलों और वादियों ने उनसे अदालत में मुलाकात की और उनसे न्यायाधीश के रूप में इस्तीफा देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। इंडिया अलायंस के बाद अब NDA में भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन रही, जिसके चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे और सहयोगी दलों के बीच मतभेद दूर करने की कोशिश करेंगे। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक शिंदे गुट ने राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 22 सीटों की मांग की है, लेकिन BJP इतनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं NCP अजीत पवार गुट भी 10 सीटों की मांग पर अड़ा हुआ है। इस बीच सूत्रों का कहना है कि BJP राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 30 पर अपने उम्मीदवारों को उतारना चाहती है, जबकि शिवसेना को 12 सीटें और NCP को 6 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन सभी पार्टियों के एकमत ना होने की वजह से अभी तक सीट बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की BRS ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 4 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कल सोमवार को जारी की गई इस लिस्ट में करीमनगर लोकसभा सीट से बी विनोद कुमार, पेद्दापल्ली से कोपुला ईश्वर, खम्मम से नामा नागेश्वर राव और महबूबाबाद से मलोद कविता को उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि इनमें से नागेश्वर राव और कविता मौजूदा लोकसभा के सदस्य हैं। गौरतलब है कि बीते साल के अंत में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में BRS सत्ता से बाहर हो गई थी और कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के उन आरोपों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि बंगाल सरकार ने सेंट्रल फंड का दुरुपयोग किया। ममता बनर्जी ने मेदिनीपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने बंगाल को 47,000 करोड़ रुपए दिए हैं और आरोप लगाया कि हमने सेवाएं प्रदान करने की बजाय इसे पूरा हजम कर लिया, जबकि सच ये है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2021-22 के बीच सेंटर ने केवल 29,834 करोड़ रुपए प्रदान किए और राज्य सरकार ने इसमें 20,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक उन्होंने एक पैसा भी जारी नहीं किया है और आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा दिया गया पैसा हमने हजम कर लिया और कोई घर नहीं बनाया। उस धनराशि से कुल मिलाकर 43 लाख घर बनाए गए हैं। उन्हें अपने झूठ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के बड़े भाई जैसे हैं। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते दौरान कहा कि हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री मतलब बड़े भाई, सिर्फ उनकी ही मदद से राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य को आगे ले जा सकते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रेड्डी ने कहा कि वह केंद्र के साथ टकराव नहीं लेना चाहते बल्कि उससे अच्छे रिश्ते चाहते हैं। बता दें कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए 56,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान उनके साथ एक मंच पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना को विकास करना है तो उसे गुजरात मॉडल अपनाना होगा। रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद देश का 5वां सबसे बड़ा शहर है। तेलंगाना भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी लक्ष्य में सहयोग देने के लिए तैयार है। उत्तराखंड सरकार ने एक नया अध्यादेश लागू किया है जिसमें दंगों और दंगाइयों से निपटने के लिए कई प्रावधान हैं। अध्यादेश के मुताबिक अगर दंगाइयों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उसकी कीमत उन्हीं से वसूली जाएगी। इसके लिए उन पर 8 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही दंगा नियंत्रण में होने वाले खर्च को भी उठाना पड़ेगा। इसकी जानकारी देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा कि प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग करने वालों की अब खैर नहीं। दंगों और अशांति फैलाने के मामलों में सख्ती से रोक लगाने के उद्देश्य से आज कैबिनेट की बैठक के दौरान एक विशेष ट्रिब्यूनल के गठन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। दंगों के दौरान होने वाले सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति दंगाइयों से ही की जाएगी। प्रदेश की शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और एक ऐसी नज़ीर बनाएंगे जिससे देवभूमि की पवित्र भूमि को कलंकित करने वाले दंगाइयों की पीढ़ियां भी वर्षों तक याद रखेंगी। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद अब इस बात की चर्चा हो रही है कि बीजेपी सीट से पवन सिंह की जगह किसी महिला उम्मीदवार को उतारने की प्लानिंग कर रही है। बता दें कि बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में पवन सिंह को आसनसोल लोकसभा सीट से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इस बीच अब सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि बीजेपी आसनसोल से टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को मैदान में उतार सकती है। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है, जिसे लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उन पर निशाना साधा है। दरअसल महुआ मोइत्रा ने याचिका में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और वकील जयानंद तेहद राय को ऐसी कोई भी सामग्री बनाने, पोस्ट करने, प्रकाशित करने, अपलोड करने या वितरित करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने संसद में प्रश्न पूछने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत ली थी। वहीं उनकी इस याचिका को अदालत से खारिज किए जाने के बाद निशिकांत दुबे ने कहा कि महुआ मोइत्रा ने मेरे और देहद राय के खिलाफ मामला दायर किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि कोई केस ही नहीं था। बीजेपी सांसद ने कहा कि FCRA उल्लंघन के लिए उन्हें 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। जब मामला आगे बढ़ेगा तो सच्चाई की और परतें सामने आएंगी। जैसे जैसे जाँच बढ़ेगी, महुआ मोइत्रा का बदसूरत पक्ष सामने आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कल सोमवार को तमिलनाडु में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की सत्तारूढ़ डीएमके पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार तमिलनाडु के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के 1,000 करोड़ रुपए यहां के लोगों को भेज रही है, लेकिन डीएमके को इससे आपत्ति है क्योंकि सरकार का पैसा सीधे लोगों के खाते में पहुंच रहा है। सड़क, आवास, बिजली, गैस योजना का पैसा लोगों के खाते में जा रहा है और इससे डीएमके को लूटने में मुश्किलें आ रही हैं। डीएमके की फैमिली परेशान है। वे लोग अब सोच रहे हैं कि पैसा तो है नहीं, कम से कम क्रेडिट ही ले सकें, लेकिन इसमें भी सफलता नहीं मिल रही। मैं डीएमके के लोगों को बताना चाहता हूं कि मोदी आपको तमिलनाडु के विकास का पैसा लूटने नहीं देगा। जो पैसा आपने लूटा है उसे वसूल कर तमिलनाडु के लोगों पर खर्च किया जाएगा, यह मोदी की गारंटी है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कल सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप पर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। दरअसल दिसंबर महीने में अमेरिकी प्रांत कोलोराडो की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव लड़ने से रोक दिया था, जिसके बाद ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। और अब मामले पर हुई सुनवाई के बाद कल सोमवार को अदालत ने कहा कि ट्रंप चुनाव लड़ सकेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप आज मंगलवार को होने जा रहे अमेरिकी चुनाव के प्राइमरी चरण में भी हिस्सा ले सकेंगे।
बता दें कि प्राइमरी वो चरण है जिसमें पार्टियों की ओर से मतदान के जरिए राष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार तय किए जाते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप इस मतदान में अपनी एकमात्र प्रतिद्वंदी निक्की हेली को हराकर रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी हासिल कर लेंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे अमेरिका की बड़ी जीत करार दिया है। फ्रांस की संसद में कल सोमवार को महिलाओं को गर्भपात का अधिकार देने वाले विधेयक को संविधान में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है और फ्रांस ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। खबरों के मुताबिक इस विधेयक को भारी मतों 780 और 72 के अंतर से मंजूरी दी गई। विधेयक को कानूनी रूप देने के लिए फ्रांस के संविधान के अनुच्छेद 34 में संशोधन किया गया है। इसे संसद के दोनों सदनों नेशनल असेंबली और सीनेट में पेश किया गया। इससे महिलाओं को गर्भपात के अधिकार की गारंटी मिलती है। वहीं विधेयक पारित होने से पहले फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे हम सभी महिलाओं को यह संदेश दे रहे हैं कि वे अपने बारे में खुद निर्णय ले सकती हैं। स्टॉक मार्केट आज मंगलवार 5 मार्च को फ्लैट नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 60 अंक गिरकर 22,300 के पास कारोबार कर रहा है तो वहीं सेंसेक्स भी 250 अंक फिसलकर 73,600 पर आ गया है। बता दें कि इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स 66 अंक नीचे 73,872 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी 157 अंक फिसलकर 47,258 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।